देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं कमलेश। कन्हैया कुमार सीपीआई नेता एवं पूर्व जेएनयू अध्यक्ष, आज सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। अभी हम कन्हैया कुमार के गांव में हैं, बीहट का मसलानपुर टोला, जो कि कन्हैया कुमार का घर है। सीपीआई ने कन्हैया कुमार को एक पहचान दिया और आज कन्हैया कुमार उस विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा के पार्टी के साथ चले गए हैं। आइए उनके गांव के लोग क्या कहते हैं, इन पे इन लोगों का राय जानते हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले आए हैं जी। आप लोगों का क्या कहना है इस पे? कांग्रेस में चले गए हो जी। आज पार्टी मैंने सरसा ग्रहण करेंगे हम हाँ। तब हमारे कहने का मतलब है कि तो पहले नंबर तो उनसे थोड़ा बहुत अवगत हूँ, पूरा अवगत हूँ भी नहीं, और वो तो जो है उनका इच्छा के अनुसार है कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, इस पर हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन यही करेंगे जो अब कर रहे हैं, तो उनको अगर अच्छा बुरा की समझदारी तो स्वयं है, उनको जो समझ में आता वो करेंगे, इसमें हम क्या बोले। अच्छे बुरे का समझदारी है और जो वो किए हैं अपने समझदारी से किए हैं। कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में चले गए हैं, ऐसे भी तो सर अभी दल बदलू चल रहा है, कब कौन किसमें चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लोग दल बदलू हो चुके हैं, कब कौन किधर चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस में चले गए हैं। हाँ, वो तो उनका इच्छा की बात है, ये सब हम लोग कहेंगे जी। इससे आप क्या कहेंगे, हम यहाँ गांव आते रहते हैं कन्हैया। हाँ, वो तो आते रहते हैं, देखते हैं जी जी, आते रहते हैं आप लोग। देखते हम लोग काम करते हैं तो यहाँ देखते हैं, जाते जाते रहते हैं, यहाँ काम करते हैं तो आप लोग देखते रहते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए हैं, इस पे बात कीजिए ना। आपके ग्रामीण हैं कन्हैया कुमार और वो कांग्रेस में चले गए हैं, क्या आपका इस पे क्या कहना है? मेरा क्या कहना है इसमें, अब वो नेता लीडर हैं, उनका मन जो पार्टी में जाने का है इच्छा। कन्हैया कुमार के ग्रामीण अभी बता रहे थे कि उनकी इच्छा, ये कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस में चले गए हैं, इस पे आप क्या कहिए? हम कहना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार सीपीआई के नेते बहुत अच्छे नेते थे, वो लोकसभा चुनाव में बहुत संघर्ष किए थे, उसके बाद वो इलेक्शन हारने के कारण वो लोग का कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर से विश्वास धारा उठ गया था, इसीलिए वो कांग्रेस में ज्वाइन किए। तो मेरे समझ से कांग्रेस में ज्वाइन किए तो अच्छा ही किए, खराब कुछ नहीं किए। कांग्रेस में अब जान आ जाएगी, कांग्रेस में पूरा पूरा जान आ जाएगी, पूरा बिहार में जान। और यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, ये भी बताएंगे कांग्रेस में कन्हैया कुमार ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया है सर, और कांग्रेस में पूरे बिहार में युवा का जोश खोश से वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस को भी आगे। बिहट में है कन्हैया कुमार के ग्राम में, यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे जानेंगे कि कांग्रेस को में जो है कन्हैया कुमार आए हैं सीपीआई को छोड़ के, उनके ग्रामीण क्या कहते हैं इस पे? ग्रामीण सब किए छे तटस्थ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपने मन से सीपीआई में आया था, अपने मन से सीपीआई छोड़ के गया, जहाँ भी रहेगा वो किए छे देश के विकास के लिए वो काम करेगा, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। गांव के लोग तब भी खुश था, अभी भी खुश है, गांव के लोगों को उसके प्रति कोई द्वेषता नहीं है। मतलब कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस में आज ज्वाइन किए हैं, तो गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, जैसे तो पहले था वैसे अभी भी है। सीपीआई एक पहचान दिया उनको, सीपीआई छोड़ के उसके बाद जो अभी कांग्रेस में आ गए हैं। तो देखिए, यहाँ दल बदलू कुल नेते ऊपर से नीचे कुल दल बदलू है, इधर तो जाए होता है अपना पेट भरता है उधर जीता है, चाहे कन्हैया रहे या कोई। दल बदलू हर एक नेता हैं। आइए बाबा हैं, बाबा कन्हैया कुमार जो हैं आज सीपीआई छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। देखिए, ये नौजवान अच्छा पढ़े लिखे है, अच्छा ज्ञान है उसको, इसमें देख लिया जो मान लीजिए इससे ये होने वाला नहीं है, इसलिए ज्वाइन किया है कांग्रेस। और गांव के लोग खुश है, गांव के लोग के लिए तकलीफ नहीं है, कहीं भी है अच्छा से वो काम करेगा, यही हम लोग का सुझाव है। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ
कन्हैया कुमार जो है आज सीपीआई को छोड़ के और आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कट कर दीजिए। कन्हैया कुमार जो है सीपीआई छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, आपके ग्रामीण हैं, इस पे ग्रामीण क्या सोचते हैं? मैं अपना सोच बता सकता हूँ। जो वैसे तो सीपीआई में उनको मौका मिला, मौका प्रतिष्ठा मिला वो जो मिलना चाहिए, लेकिन वो उन्हें असफल रहे और अब उनका सोच ये बदला अपने भविष्य को देखते हुए, जो हमें यहाँ पर जो है सो नहीं मतलब एडजस्ट कर पा रहे हैं या उस काम कर नहीं पा रहे हैं वो अपने अनुसार, तो वो कांग्रेस में जाने की चर्चा, कांग्रेस में वो चले गए हैं और सीपीआई ने उनको एक पहचान दिया, तो इस पे ग्रामीण क्या सोचते हैं? वो अच्छा किए हैं? वो अपने लिए अच्छा किए हैं, पार्टी को तो नुकसान है उससे, वो अपने लिए अपने हित में अच्छा सोच के गए हैं। कांग्रेस में आने से उनको कोई फायदा? फायदा हो तो भविष्य में पता चलेगा, वो देखने से क्या उनको वहाँ जाने से व्यक्तिगत क्या फायदा हुआ या क्या पार्टी को उससे फायदा हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज फोर नेशन के साथ। कन्हैया जो है सीपीआई छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो आप ग्रामीण हैं उनके, किस रूप में देखते हैं इनको? हमारे ग्रामीण हैं इसलिए बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रीय पार्टी से गए हैं, अब उनका समर्थन करेंगे हम लोग। उनका समर्थन करेंगे? सीपीआई जो कि उनको एक पहचान दिया, एक नाम दिया, और उसी को जो है लात मार के और आज कांग्रेस उसके विपरीत विचारधारा वाली पार्टी को ज्वाइन किए हैं। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सीपीआई कांग्रेस सब एक ही हैं, ठीक ना? तो लात मारना ये बात नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात है जो वहाँ से इधर आ गए। हम इनको प्रोग्रेस के तौर पे देख रहे हैं, हम इस चीज़ को प्रोग्रेस के तौर पे देख रहे हैं कि उनको उनका प्रमोशन हुआ है सीपीआई से, वो मतलब बहुत कांग्रेस में गए, उनका प्रमोशन हुआ, अब उनको उनका स्कोप कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। इसको लात मारना मत कहिए, ये मतलब प्रमोशन हुआ, कन्हैया जी का प्रमोशन हुआ। तो ग्रामीण जो है खुश हैं कांग्रेस में जाने के बाद? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत। अगर अगली बार कांग्रेस टिकट देती है बेगूसराय से तो वोट मिलेगा आप लोगों के द्वारा? वोट मिलेगा नहीं, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हाँ, अगला 24 का सांसद हम लोग का कन्हैया होगा। अगला 24 का सांसद कन्हैया होंगे, ऐसा इनके ग्रामीणों का कहना है। अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज फोर नेशन के साथ। उनके ग्रामीण क्या सोचते हैं इस बारे में? गाँव का लड़का है, कहीं कोनो पार्टी में रहेगा बढ़िया रहेगा, गाँव का नाम होगा। बस शुरू में भी आया था तो लोग बुझता था गाँव का लड़का है, वोट भी दिया, ऐसा बात नहीं है। गाँवी में वोट नहीं दिया था, वोट भी दिया, संजोग था हार गया वो, इसलिए किसी भी पार्टी में रहेगा गाँव का नाम होगा। सीपीआई को छोड़ के जो कि सीपीआई उनको एक पहचान दिया, उसी को लात मार के आज जो है उसके अलग विचारधारा वाली पार्टी में वो ज्वाइन किए हैं। को वो पहचान दिया, सीपीआई उसको क्या पहचान देगा? सीपीआई को वही पहचान दिया, सीपीआई को जो है कन्हैया कुमार ने पहचान दिलवाया, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और गांव के लोगों में खुशी है कि कांग्रेस को ज्वाइन किए हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज फोर नेशन के साथ।